और हुकूमत की जानिब से कौमी असेंबली का 4 दिसंबर को इजलास बुलाने की तैयारियां की जा रही हैं। समरी ऐवान सदर को इरसाल कर दी गई। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला जेरे बहस आएगा। अपोजिशन का महंगाई समेत अवामी मसाइल पर हुकूमत को आईना दिखाने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक कानून साजी के मामले पर विफाकी हुकूमत ने आइंदा हफ्ते कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असेंबली का इजलास 4 दिसंबर को बुलाने के लिए समरी ऐवान सदर को इरसाल कर दी। कौमी असेंबली इजलास में अहम उमूर पर कानून साजी होगी, जबकि अपोजिशन महंगाई और गिरां फरोशों के खिलाफ इकदामात समेत दीगर अवामी मसाइल उठाएगी। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक हुकूमत अपोजिशन के दरमियान आइंदा हफ्ते राबितों का इम्कान है और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मिलने के बाद बाजाबिता कानून साजी का अमल शुरू होगा। रोज तक सुप्रीम कोर्ट में जारी रहने वाली आर्मी चीफ केस की समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत दीगर मुअज्जज जजेस ने फैसला दिया था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए 6 माह के अंदर कानून साजी की जाए।